किसान भाइयों नमस्कार। जैसा मैं दीपक सिंह, दीपक पोल्ट्री फार्म से। जैसा आप देख सकते हैं आज हमारे फार्म में चिक्स पड़े हुए 5 दिन हो गए हैं और मैंने फर्स्ट डे पे वही चीनी और मीठा सोडा लगाया हुआ था और 3 दिन मैंने कंटिन्यू एंटीबायोटिक दिया था, एंड्रोवीएच, एंड्रोसिन वीएच, मतलब जो भी आप एंटीबायोटिक मार्केट में आ रहा हो दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने आज नेफ्रोकेयर चलाया जिससे थोड़ा सा पानी इंटेक ज़्यादा करें बच्चे, और बच्चे ठीक ठाक हैं, स्वस्थ भी हैं। थोड़ा मोटलिटी ठंड में हो ही जाता है 2-4 दिन में। अभी तक मेरे फार्म में 50 मोटलिटी हुआ है 5 दिन में, 7500 बच्चे पड़े हुए हैं इस फार्म में। और देख सकते हैं बच्चे अच्छी तरह से टर्बो। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि टर्बो आप जितने फार्म में अपने फार्म में टर्बो जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। टर्बो पर देखिए कैसे फीड इंटेक कर रहे हैं और नॉर्मल 50 रुपये वाले डिब्बे पर कितना फीड इंटेक कर रहे हैं। तो टर्बो लगाने से थोड़ा महंगा होता है लेकिन फ़ायदेमंद होता है फार्म में। और फार्म में आज 5 दिन कंटिन्यू मैं रात में जग रहा हूँ और दिन में सोता हूँ रात में जगता हूँ। ये चिक्स थोड़ा सा लंगर सा हो गया है फार्म में, कहीं चोट वोट आ गया है और देख सकते हैं। और बाकी मैं डे टू डे पर डे कौन सी दवा यूज़ कर रहा हूँ फार्म में, दवा तो कम ही यूज़ करना चाहिए फार्म में जब तक बच्चे में कोई दिक्कत समस्या ना आए। और जब कोई दिक्कत समस्या है तभी आप फार्म में यूज़ कीजिए, अन्यथा फार्म में कोई दवा मत यूज़ कीजिए। बस केवल फीड इंटेक और वाटर इंटेक ये करते रहें फार्म में। ये देख रहे हैं मैंने हेलोजन भी चलाया हुआ है, बुखारी भी चल रहा है। और किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे फार्म में हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी भेज सकते हैं। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।